सर्वप्रथम विश्व में व्याप्त इस आसन्न संकट के निवारणार्थ आज मंगलवार है, हम लोग भाव से, हृदय से, स्वयं के सहित समग्र विश्व इस महामारी के उपद्रव से मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में करते हुए एक साथ सब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत धामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवे, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गंभीर चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप दर्शियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संगारे, राम चंद्र जी के काज समारे। लाय सजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जाते। कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण भाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम दुआरे तुम रखवारे। ओत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा। तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो,
तीनों लोक हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं जहाँ वीर जब नाम सुना दास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे अस्त असवर दीन जान के रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जा जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चेतन हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सतवार कर कोई छूट बंदे जो यह पढ़े हनुमान चली हो सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेला कीजे नाथ हृदय में पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सई हृदय बसौ सुर भूप सियावर चंद्र की जय राज की श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। हनुमान जी महाराज एक बार सहज ही श्री महल में पधारे। बालकों को तो रोक कहाँ होती है, बालक तो अपनी माँ के पास कभी भी जा सकते हैं। तो किशोरी जी दिव्य रत्न पीठिका पर विराज रही थी, मणिजटित दर्पण सामने था, सखियाँ सेवा में प्रस्तुत थी और श्री किशोरी जी घृत मिश्रित सिंदूर से मांग भर रही थी। हनुमान जी उसी समय पहुँच गए। माता जी ये क्या लगाती है यहाँ, कहीं मांग भरते हैं सिंदूर, इससे क्या होता है? होता क्या है, राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छा राम जी खुश हो जाते इससे, यहाँ राम जी का यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वामी की आयु स्वामी की कीर्ति बढ़ती है, स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हनुमान जी वाह इतनी बढ़िया बात माता जी आपने अब तक हमको नहीं बताई। सीधे घुस गए महाराज कुठार में जहाँ सिंदूर रखा था, घी की तो कमी थी नहीं, घी में सिंदूर खूब घोला और हनुमान जी ने पूरे श्री अंग में सिंदूर धारण कर लिया और सिंदूर धारण करके सीधे दौड़े दौड़े दरबार में पहुंच गए, राम जी के दरबार में। सरकार सिंहासन पर विराज रहे थे, अपने जीवन में ऐसे खिलखिलाकर कभी नहीं हंसे जैसे आज हंसे। हंसते हंसते राम जी के महाराज
कहते ना पेट में दर्द हो गया, आंख में आंसू आ गए हंसते हंसते। ओ हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने इसको हंसी में नहीं लिया कि मेरी हंसी हो रही है, सारी सभा हंस रही थी, हनुमान जी ने इसी में लिया। वाह देखो माता जी की बात कितनी सच्ची निकली है, उनका इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो आज के जैसा प्रसन्न तो हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा। तो जब इतना प्रसन्न होते हैं तो हम तो सदा चोला ही चढ़ाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुनाथ जी ने कहा, हनुमान जी आपको जो घृत मिश्रित सिंदूर आपके श्रीअंग में अर्पित करेगा उसकी सभी अलाय बलाय आदि व्याधि का समन हो ही जाएगा, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ता है। लोग कहते महाराज हम बहुत दुबले पतले हैं, कोई टॉनिक काम नहीं कर रहा है, मोटे नहीं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया दवाई है, या तो बर्रैया ततैया का छत्ता हो या बड़ी मधुमक्खी का छत्ता हो, उसमें एक कंकड़ी ऐसे ठीक से मार दो, थोड़ी देर में बिना गोली इंजेक्शन के आप मोटे हो जाएंगे। और हो सकता ज़्यादा मोटे हो गए तो जय सियाराम भी हो सकता, पधार भी सकते हैं। एक हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के एक सेवक थे ग्वालियर के, कपूरचंद जी नाम था, बड़े भक्त थे और महाराज गाते बहुत अच्छा थे। गाते ऐसे थे कि उनका तार सप्तक के आगे चला जाता था, हारमोनियम जवाब दे देता था, इतना बिना खरास के इतना ऊंचा गाते थे। पहले माच गाए जाते थे ना किसी जमाने में, तो माच के गवैया थे वो, और नित्य उनको दाऊ जी की बूटी रोज चाहिए। राधारमण जी में जाते थे तो पुराने गुसाई जो उनको पहचानते थे, तो कपूरचंद जी गाइए। तो वो महाराज जी के तो सेवक थे ही, दास के प्रति भी बहुत भाव रखते थे। सुनकर आपको हंसी आएगी, वो भागवत जी की पोथी पर बहुत बढ़िया भांग का चूर्ण बनाते थे, बड़ी पवित्रता से अपरस में वो पुड़िया चढ़ाते थे। तो हमारे त्यागी जी बिल्कुल सावधान रहते थे पुड़िया उठाने के लिए, कपूरचंद जी पुड़िया चढ़ाएंगे। तो हम जब ग्वालियर जाते तो वो कुछ ना कुछ हमसे कहते, हजूर हजूर कहते थे, हजूर कहाँ, बोले जंगल में एक डमरू वाले हनुमान जी हैं, नृत्य कर रहे हैं हनुमान जी डमरू लेके, वहां चलो। कहा ठीक है चलो। तो कथा तो चली रही थी, शनिवार था, हम लोग गए डमरू वाले हनुमान जी पे। दीन बंधु दास से नहीं थे, त्यागी जी थे। अब वो डमरू वाले हनुमान जी घोर जंगल में थे एकदम, और पथरीला सा इलाका था, वहां तक पैदल मतलब गाड़ी दूर खड़ी हुई रोड पर, वहां से लगभग आधा पहले श्री मदन मोहन दास जी का दर्शन हुआ और पर अनंत भगवान का दर्शन हुआ, उधर से हम लोग जंगली रास्ते इनके बैठते ही अनंत दास जी महाराज के बैठते हमारे मन में आए कि ये खूब मिठाई और फल, मेवा मिठाई फल हनुमान जी के लिए लेके गए। हमने बड़े प्रेम से हनुमान जी को भोग धराया और सब लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और भाई को धूप भी जलाई जाएगी, धूप भी जलाई गई, और ठाकुर जी की क्या लीला भगवान जाने। ऐसा बाद में सुनने में आया
कि उस हनुमान जी के मंदिर की मर्यादा ये थी कि कोई महिला उसके हाथे में प्रवेश नहीं कर सकती थी, और ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को। तो एक भगत था, उसकी गृहिणी वो थी, वो भी चली गई भीतर। तो लोगों ने तो यही कहा कि इसलिए ऐसा हुआ, और बाकी सब महात्मा थे और वो कपूरचंद जी थे, पुरुष भक्त ही थे, दो तीन तीन गाड़ियां थी शायद। तो एक उस बट का पेड़ था हमारे, बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ता लग रहे, और जैसी धूप जलाई पता नहीं एक छत्ता हनुमान जी की छत पर फड़ाक से गिरा। गिरते ही इतनी मधुमक्खियां, हजारों लाखों मधुमक्खियां टूट पड़ी। ऐसी ऐसा आक्रमण किया कि डमरू वाले हनुमान जी ने सबको नचाया, सब नाचे ऐसे ऐसे करें सब। बरसात का समय था, गड्ढों में कहीं पानी भरा था, पानी में लोग घुसे वहां काटे मारा। जो लोग कहते थे कि महाराज कहाँ ले आए, इतना पैदल चलना मुश्किल, वो मोटे मोटे पेट वाले सेठ लोग वो कितनी तेजी से दौड़ के गाड़ी तक पहुंच गए पता नहीं चला। और सब मिठाई फल सब वहीं रखा रह गया, और सबके पर्स वगैरह सब जूता चप्पल भी वहीं छूट गए सबके, कौन पहने महाराज ऐसे। केवल एक अकेले हम थे वहाँ, हम भगे नहीं, दौड़े नहीं, हमने कहा जो होना होगा सो होगा, हनुमान जी के आश्रम में बैठे, भागने से क्या होगा। और जो जो भागे सबके पीछे मक्खियाँ भगी। भगवान की कुछ ऐसी कृपा करुणा हुई, हमारे तो एक मक्खी नहीं हमको काटा, बैठी तो सरी, किसी मक्खी ने काटा नहीं। फिर सब हम ही ने बटोरा प्रसाद, लोगों का सामान, तो थैला वैला सब सामान और सब भर करके एक गमछा में पोटरी जैसी बांध करके, कोई किसी को श्रद्धा नहीं जगी कि चलो महाराज इतना सामान लेके आ रहे हैं, हम सहायता करो, कौन सहायता करवावे। उस समय सबको मक्खियां काट रही थी। दूसरे दिन तो कथा में किसी का होठ फूला हुआ है, किसी की ठोड़ी फूली हुई है, सबको इंजेक्शन लगे। हमने कहा कपूर चंद जी आपको, हजूर दाऊ जी की बूटी इतनी शरीर में पहुंच चुकी है कि मक्खी को भी नशा आ गया होगा, उनको भी, लेकिन उनको ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, काटा तो उनको भी, सबको काटा दास को छोड़ के। हनुमान जी की समझ लो, हनुमान जी ने सोचा ये भागते नहीं है, अथवा जो कुछ भगवान की लीला भगवान जाने। तो ये मधुमक्खियों वाली बात भागवत जी में लिखी है। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृढ़हीन सो नवीन बात जाने। हनुमान वंश में जिनका जन्म हुआ, आप लोग कहेंगे कि हनुमान वंश तो हम पहली बार ही सुने, हनुमान वंश क्या होता है। महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक ऋग्वेदी ब्राह्मण निवास करते थे, श्री हनुमान जी के परम उपासक थे, परम भक्त थे। निष्काम भक्त थे, उनके चित्त में कोई लौकिक पारलौकिक भोग की कामना नहीं थी। अहर्निश राम नाम का जप करने वाले हनुमान जी के बड़े लाडले भक्त थे, और श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त था, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था। अभाव जो है ना, अभाव प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। इसलिए सौभाग्य से जिन जीवों की चित्तवृत्ति
भगवान में लग जाती है, उनके जीवन के समस्त अभाव सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं, उनके जीवन में परिपूर्णता आ जाती है, वे आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाते हैं। फिर उनके जीवन के कोई संकल्प या उनकी इच्छाएं कामनाएं यदि किसी की समझ में आती हैं, तो वस्तुतः वह उनके जीवन की इच्छाएं कामनाएं नहीं होती हैं, उनके उस पवित्र देह को माध्यम बनाकर सत्य संकल्प भगवान ही संकल्प करते हैं, भगवान ही कामना करते हैं, भगवान ही इच्छा करते हैं, और उस उन कामनाओं के द्वारा, उन संकल्पों के द्वारा, उन इच्छाओं के द्वारा, उन निष्काम आत्मस्वरूप भक्तों के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करवाते हैं भगवान। भगवान ने गीता में कहा तदात्मानं सृजामि अहम्, तदा अहम् आत्मानं सृजामि। तो आत्मा जो है भगवान के भक्त ही है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा ही है, इसलिए तदा आत्मानं सृजामि, इसका अर्थ है आत्मस्वरूप संतों को मैं धरती पर भेजता हूं। शरीर संसार में चित्त की स्थिति जब तक रहेगी, और खुलकर कहें प्रकृति में जब तक चित्त की स्थिति रहेगी, तब तक अभाव की निवृत्ति नहीं होने वाली है। यत् पृथिव्याम व्रीहि यव हिरण्यम पशव स्त्रिया, सब कुछ एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उससे पूर्णता होने वाली नहीं है, क्योंकि नजात कामक कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। घटे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीते, इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी किया है। वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण देवता निष्काम भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, इसलिए उनके चित्त में कोई कामना नहीं थी और किसी अभाव की अनुभूति भी नहीं थी, किंतु भगवान चाहते थे कि इस पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से मेरी एक कोई विशिष्ट विभूति अवतरित हो। इसके लिए एक ऐसा बानक बन गया, एक दिन किसी ने उन ब्राह्मण देवता को पुत्रहीन कह करके उनका तिरस्कार किया, उनके कोई संतान नहीं थे, सपत्नीक भगवान का भजन ही करते थे। कई बार कई माताओं के मुंह पर लगाम नहीं होती, माता ने किसी ने कह दिया, किसी स्त्री ने कह दिया कि सवेरे सवेरे पुत्रहीन का मुंह देखा, निपुते का मुंह देखा, पता नहीं क्या होगा। आपके मन में विचार आया कि हम इतने निंदे और इतने घृणित हो गए कि हमारा मुख देखना भी लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता, तो आप दुखी हो गए। आपको दुखी देखकर हनुमान जी ने कहा कि क्या कारण है, आप दुखी क्यों हो? महाराज, पुत्रहीनता के कारण संसार इस हेय दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से हमको देखता है, इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु ही हो जाए, सो ही अच्छा है। उनकी अतिशय पीड़ा को देखकर हनुमान जी द्रवित हो गए, कहा यद्यपि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, पर जीव जगत के कल्याण के लिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा और मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, आगे चलकर इसी वंश में एक ऐसी विभूति प्रकट होगी जिसके द्वारा इस जीव जगत का परम हित होगा, परम कल्याण होगा, और तुम्हारी तो सैकड़ों पीढ़ियां कर जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि हनुमान जी की कृपा से वंश चला, इसलिए नाम ही हनुमान वंश पड़ गया। उसी वंश में स्वनाम धन्य
श्री नाभा गोस्वामी जी का अवतार हुआ है और भक्तों के अवतार काल में कोई ना कोई अनहोनी घटना घटती है। जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, ऐसे ही भगवत स्वरूप भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। हाँ। वहां से आप काशी चले गए। ओ काशी बसी बापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया, हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ आपका मन भाया। चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन कंठ कंठ छाया, रामचरित मानस प्रकाश हित परम पुण्य अवसर आय। शिव कृपा मुरसर किए कंत तैयार, बाबा तुलसी अलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार, बाबा तुलसी से जहाँ आपको हनुमत दर्शन हुआ वो आज भी संकट पूजन हनुमान नाम का स्थान है। प्रेत से पता का पाकर दर्शन हुआ, वहां से चित्रकूट आए और चित्रकूट में राम जी ने दर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और अब रामचरितमानस के प्रकाश का अवसर आया और शिवजी की कृपा से आपने रामचरितमानस को प्रकट किया। और रामचरितमानस की रचना के बाद जब आप काशी आए तो काशी के विद्वानों ने पहले तो रामचरितमानस का बहुत तिरस्कार किया। पहले तो कही भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। किंतु उदीयमान दिन कर पर किसने झांक प्रधान किया। जब ये बात प्रसिद्ध हो गई कि मृत व्यक्ति को जीवन दान दिया, अकबर ने भी इनका नाम सुना तो अकबर ने तुरंत अपना दूत भेजा, दिल्ली बुलवाया आपको। आपने सोचा, अकबर ने संदेश भेजा था कि या तो आप स्वयं आवे नहीं तो मैं स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा हूं। आपने विचार किया आएगा सारी व्यवस्था गड़बड़ाएगी, लोग परेशान होंगे धामवासी, इससे अच्छा मैं ही वहां हुआ। और वृंदावन से इधर नाभाजी का निमंत्रण भी आ गया था, इसलिए आपने वृंदावन पर ध्यान रख करके दिल्ली को प्रस्थान किया। मार्ग में रामचंद्र का जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखने वाले महाकवि ओरछा के महाकवि केशव का जो प्रेत योनि में पड़े थे उनका उद्धार किया और दिल्ली जाकर अकबर बादशाह के मान का मर्दन किया। बादशाह कहता था चमत्कार दिखाओ, बोले हम चमत्कार मत्कार कुछ नहीं जानते, खाली राम राम करते हैं। उसने कठोर कारागार में डाल दिया और जब कठोर कारागार में डाल दिया आप प्रसन्न थे। रात्रि को हनुमान जी सामने आ गए, बोले कहो तुलसीदास जी क्या हाल है, क्या समाचार है, ठीक ठाक है? तो बोले प्रभो आपकी कृपा से संसार के सब सुख मिले थे, ये सुख बाकी था, सो आपकी कृपा से मिल रहा है और बहुत अच्छा हुआ। यहाँ न कोई आएगा न जाएगा, काल कोठरी में बंद हैं, खूब राम राम करेंगे, बाहर प्रसिद्धि हो गई है तो जहाँ देखो वहाँ लोग भीड़ घेर लेती है, भजन में बाधा पड़ती है, एकांतवासा झगड़ा ना जहाँ सा यही ठीक है। अरे बोले ऐसे नहीं, चमत्कार दिखाओ। बोले हमारा चमत्कार तो आप ही हो, दूसरा कोई चमत्कार नहीं है, आप चाहो तो कुछ दिखाओ।
बोले आपकी अनुमति चाहिए, बोले जैसी आपकी इच्छा। तो हनुमान जी ने हजारों बंदरों को प्रकट कर दिया। ऐसा था कि एक बार बंदरों ने राम रावण युद्ध में अनुमति मांगी कि हम थोड़ा लंका में उपद्रव करने से हमारा मन भरा नहीं है, थोड़ा कर यहाँ में। राम जी ने ज्यादा इच्छा देके कहा जाओ कर लो अपने मन की। तो उसमें सब बंदर तो हनुमान जी के साथ गए थे उपद्रव मचाने। 1000 बंदर ऐसे थे जो चले गए थे जंगल में कंदमूल फल लेने, वो लौट के आए तब तक वो उपद्रव मचा के आ गए। बोले अब हम तो रह गए, हम जाएं लेने, नहीं अब ज्यादा परेशान नहीं करते, अब रात होगी रहने दो छोड़ो। बड़े उदास हो गए, बोले अब हमारा क्या होगा, हम तो उत्पात मचा ही नहीं पाए, अब क्या होगा। हनुमान जी बोले तुम रिजर्व रहो, रिजर्व सेना होती नहीं, रिजर्व पुलिस बल, रिजर्व रहो, जब उत्पात मचाने की जरूरत पड़ेगी तब तुमको याद किया जाएगा। वो रिजर्व थे 1000 त्रेता के पर्वताकार बानर, उन सबको हनुमान जी ने याद किया, वो सबके सब प्रकट हो गए। महाराज पूरा दिल्ली में हाहाकार मच गया और बादशाह तो तोबा तोबा करके चरणों में गिरा। बोले छोड़ो तुलसीदास जी को, बंदरों ने खूब उठा उठा के पटका, बेगमों के कपड़े तक फाड़ दिए, हाहाकार मच गया। और तुलसीदास जी के पास अर्धरात्रि में बादशाह गया, ताज उतार के चरणों में रखा, बाबा साहब माफ करो। बोले माफ तो हो गया, और चमत्कार देखना। बोले नहीं अब नहीं देखना, अब तो यहाँ तक भर गए, अब किसी साधु से चमत्कार देखने का आग्रह नहीं करेंगे, मुझे आदेश दीजिए। बोले बस इस किले पर हनुमान जी की कृपा हो गई है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसको छोड़ दो। और अकबर ने किला छोड़ दिया। आज भी उस किले में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी आज भी विराजमान है पुरानी दिल्ली में, आज भी हनुमान जी हैं। और आज भी रात्रि में वहां कोई निवास नहीं कर पाता है। तुलसीदास जी ने कहा था यह रात्रि कोई निवास नहीं कर सकेगा, आज भी रात्रि में कोई निवास नहीं कर पाता है, ये चमत्कार है। परम विरक्त और समाधि, शांत रस की परिणति बाबा समाधि, उसकी सिद्धावस्था जो है शांत रस की वो समाधि है। और शंकर जी कितनी लंबी समाधि लगाते हैं, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में रह जाते हैं। शंकर जी का दर्शन करके लगता है मनहु शांत रस धरे शरीरा, लगता है शांत रस मूर्तिमान होकर विराजमान है। शंकर जी की कोई सुंदर सी चित्र छवि हो जो शांभवी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में विराजमान हो, आप एकांत में थोड़ा सा वृत्ति को समेट करके उसकी ओर अपना ध्यान लगाइए, थोड़ी देर में आपकी वृत्ति भी शांत हो जाएगी। दास्य, दास्य रस का तो कहने ही क्या, भगवान के दास तो है ही हैं, सेवक हैं। और दास्य रस का आस्वादन शंकर जी हनुमान जी के रूप में करते हैं। दास्य की संपूर्ण मर्यादा को यदि किसी ने प्रकट किया है तो शंकर जी ने प्रकट किया है। दास को, सेवक को स्वामी के समान नहीं होना चाहिए, स्वामी से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो हमारे आराध्य नर रूप में आए हैं, हम भी नर बन जाएंगे तो समानता हो जाएगी, स्वयं बानर रूप स्वीकार कर लिया। रुद्र देह तज नेहवस बानर भे हनुमान। राम जी के ऊपर अपनी सेवा का, भरण पोषण का कोई भार नहीं रखा हनुमान जी ने, ना तो कपड़ा पहनने की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है, वृक्ष पर रह जाते हैं, न भोजन की आवश्यकता है और सेवा आहरनिश करते हैं। इसलिए संतों में कहा गया दासन पति हनुमान, हनुमान जी दासों के पति हैं।
इसलिए कोई भी ऐसा वैष्णव नहीं किसी भी संप्रदाय का जो हनुमान जी को न स्वीकार करे, क्योंकि दासों के आचार्य श्री हनुमान जी। हमारे चतुर्थ संप्रदाय में जो वैष्णवों के अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों में आगे निशान चलता है। वो निशान क्या है? चतुर्थ संप्रदाय के निशान के रूप में क्या है? हनुमान जी तो निशान है, और कौन है? हनुमान जी की प्रतिमा उसमें रहती है। सभी लोग हनुमान जी का आदर करते हैं। सख्य, सख्य तो कहना ही क्या है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हरिहर का सख्य तो वेद से लेकर पुराणों इतिहासों में बहुत प्रसिद्ध है। भारी मित्रता है इनकी, घनिष्ठ मित्रता है। और जैसे मित्रों में परस्पर हास परिहास होता है, ऐसे दोनों में परिहास भी खूब होता है, मजाक भी खूब होता है। भोले बाबा का ब्याह हुआ तो विष्णु भगवान तो सहज सुंदर हैं, नारायण भगवान गरुड़ जी पर बैठकर चल रहे थे, और भोले बाबा की बारात भोले बाबा के ढंग की थी। ठाकुर जी बोले, भाई इनको दुल्हा को आगे कर चल लेके चलोगे तो राजभोग की तो क्या चले, किसी को पानी की भी नहीं पूछी जाएगी। इसलिए ऐसा करो, ये महादेव है ना, तो इनका सब देवताओं के साथ मिलजुल के चलना ठीक नहीं है। बारात में देवताओं की बारात अलग चले और पीछे से महादेव, क्योंकि प्रधान तो पीछे रहता है, इसलिए हम लोग आगे चले जाएं। ठाकुर जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कि जब आप चाहते हो तो हम पूरी जमात क्यों ना बुला लें, हमारी बारात कम क्यों रह जाए। तो भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, सारे गणों को बुलाई। ओ महाराज, ऐसे गण की क्या कहना। तो मित्रता भी इनमें खूब है। और वहां सुनैना जी ने बरबेश को देखा तो परछन का थाल पटक दिया, आरती पटक दी, झारी हाथ से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने पूछा, कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ बहुत बढ़िया हुआ। कैसे हुआ? बोले ऐसे हुआ। अरे ऐसे कहीं परिछन होता है? कहते देश देश का रीति रिवाज है, हिमाचल प्रदेश का यही रीति रिवाज होगा। अरे बोले ये रीति रिवाज नहीं है। तो आपकी सासू जी ने ऐसा क्यों किया? बोले इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि चंद्रमा सूर्य और अग्नि तीन नेत्र जिनके हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती का थल पटक दिया, आरती नीचे गिरा दी। और जिनके जटाओं से गंगा जी झर रही है उनको क्या एक लोटा जल देना, इसलिए झारी पटक दी उन्होंने। ये भाव है। तो इनका परस्पर सख्य भी बहुत प्रसिद्ध है, और वात्सल्य का तो कहना ही क्या है। चाहे रामलीला हो और चाहे कृष्ण लीला हो, जब तक ठाकुर जी बाल रूप में लीला करते हैं तब तक अयोध्या जी में रहते हैं कागभुसुंडी जी के साथ। कागभुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा। और श्री कृष्णावतार में तो नंदगाम का जो पर्वत है साक्षात शिवजी ही हैं, रुद्राचल है। और हमारे ब्रज में लीला प्रसिद्ध है, जोगी बाबा बनकर के भोले बाबा आते हैं और मैया से कहते, मैया नेक दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे। मैया कहती, मेरो लाला डरप जाएगो तो ये देख के। और ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। चरित्र आप सबको मालूम है, बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकृष्ण चुप नहीं होते हैं। सखी के तो बाबाजू कछु टटका टोना कर गए हो, वो भाई ये बुला के लाओ। बोले बाबा को बुलाया, बोले तुम्हारो लाला डरप जाएगो? बोले नहीं नहीं, अब तो लाला को झाड़ा लगाने के लिए आ जाओ, झाड़ फूक करने के लिए आ जाओ। बोले बाबा आए हैं,
लाल जी इतने खिलखिला के हंसे कि आज तक आज के पहले इतना कभी हंसे ही नहीं थे। मैया तो बड़ी राजी हो गई, बाबा की गोद में दे दिया, बाबा ने खूब छाती से लगाया और बोले, मैया मेरे गुरु ने मेरी जटान में एक जंत्र बांध दियो है, तो अपने लाला के चरण हमारे मस्तक पर विराजमान कर दे, लाला है हमारे माथे पे खड़ो कर दे। बस सोई याकू जीवन भर कबू नजर गुजर नहीं लगेगी। मैया बिचारी भोरी भारी, मैया ने लाल जी को उठा के भोले बाबा के मस्तक पे खड़ा कर दिया। बाबा बोले, बस ये हमारे जीवन का फल है, बालकृष्ण के चरण हमारे मस्तक पर पड़े। हमारे ब्रज के संतों ने रसिकों ने तो यहां तक कहा है कि भोले बाबा नंद महल में लोटने लग गए, यहां परब्रह्म की चरण रज बिछी हुई है। बोले, बाबा तू बहुत अच्छो है, तू कछु मांग ले। बोले, हीरा मोती पाट पटंबर कछु नहीं चाहिए, मैया तू कृपा करके हमके हमें नंद गांव में बसाए ले, ब्रजवास दे दे। बोले, ठीक है बाबा, जहां तेरी इच्छा हो वहां रह। बोले, जहां ठाकुर को स्नान हुए ना लाला को तेरे, और लाला के स्नान को जल जहां ते जावे ना, वह मोरी में मैं स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजूंगो, आज भी नंदीश्वर महादेव। वात्सल्य सुख का भी आस्वादन करते हैं और माधुरी रस की सिद्धावस्था है सहचरी भाव, और उसका दर्शन करना हो तो आपको श्रीधाम वृंदावन में बंसीवट में गोपीश्वर महादेव का दर्शन करना होगा, जहां संध्या के समय लहंगा फरिया धारण करके, नथ धारण करके त्रिलोचना सखी के रूप में विराजते हैं। इसका तात्पर्य है कि पांचों रसों में से जो भी रस आप चाहो भोले बाबा से प्राप्त कर सकते हो। ये भंडारी है, भंडारी माने कुंजी इनके हाथ में है, जो चाहो वो रस इनसे ले लो। हाँ, बस सावधानी ही रहे, मांगना वही जो श्री नरसिंह जी ने मांगा, और दूसरी चीज इनसे नहीं मांग लेना। दूसरी चीज मांग ली तो ये प्रलयंकर भी हैं, ये प्रलय मचा देते हैं, नाराज हो जाते हैं। शंकर जी से भगवान की भक्ति को छोड़कर जिसने और कुछ मांगा उसका कभी कल्याण नहीं हुआ, वो तो आफत में पड़ गया। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि नित्य वृंदावन में महारास का दर्शन करके नरसिंह जी आए, कल तक यहां तक कथा हो चुकी है, और नरसिंह जी ने अपने भाई और भाभी को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने फटकार करके उनको घर से निकाल दिया। भगवान के सहारे आप विराजे हैं, अक्रूर जी भगवान की आज्ञा से पधारे हैं और विशाल स्थान का निर्माण हो गया, ठाकुर जी का मंदिर बन गया, विशाल गौशाला बन गई, संत निवास बन गया, ठाकुर जी की रसोई भंडार सारी सेवा की सौंझ वहां एकत्रित हो गई। और हम एक प्रसंग बस बात कहें, यह प्रमाणित है, हनुमान जी महाराज गिरिराज जी को लेके चले थे, कोई लालच दे के चले थे, द्रोणगिरी के पुत्र हैं गिरिराज जी, पहले श्री मदन इनको लालच दे के चले थे कि श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे, उनके चरणों का स्पर्श करवाएंगे। इनके बैठते ही तब तो ठीक है, तब तो हम चलने के लिए तैयार हैं, तब तो पुल में हम आ जाएंगे काम। और जब गिरिराज जी को लेके ब्रजभूमि तक पहुंचे, तब तक रघुनाथ जी का आदेश सब बंदरों को सुनाई पड़ा कि अब आवश्यकता पर्वतों की नहीं है, जो जहां है वहीं पर्वतों को रख दे और तत्काल मेरे पास चला आवे। गिरिराज जी ने कहा, तुमने बड़ा धोखा दिया हमको, राम जी के दर्शन का लालच दे के ले आए और आप कहते कि अब जरूरत नहीं, अब यहीं रह जाओ, ना हम वहां के रहे ना वहां के रहे, कहीं के नहीं रहे हम, तो तुमने हमारे साथ बड़ा धोखा किया, और तुम वचन दे के लाए हो
हनुमान जी बोले तो ठीक है, हम राम जी से पूछ लेते हैं। तो क्या पूछने गए होंगे? अरे राम जी तो हृदय में बैठे हैं। तत्काल हनुमान जी ने नेत्र बंद किए, सरकार अब क्या करें बताओ। राम जी बोले गिरिराज जी से पूछ लो कि अभी तो थोड़ी देर पुल में ही काम आओगे, एक बार दर्शन स्पर्श होगा। हम द्वापर में दाऊ दादा के संग आ रहे हैं, खूब गैया चराएंगे, आपकी शिलाओं पर बैठेंगे, बैठेंगे नहीं दूध दही की धार भी चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, गिरिराज जी की डंडौती भी करेंगे, तो हमारी लीला का अनंत काल तक सुख लेना हो तब तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। अब मिनट दो मिनट में राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ, धर देंगे वहीं कहीं। गिरिराज जी बोले भैया तो लंबा जो लोभ है वही ठीक है, हैं? और हनुमान जी से कहा कि आपको लेकिन यहां बैठना पड़ेगा हमको धैर्य बंधाने के लिए। तो हनुमान जी एक रूप से विराज गए, वो स्वरूप है पूंछरी के लौटा, पद्मासन से हनुमान जी बैठे हुए हैं, बैठ गए। और आज भी गिरिराज जी, तो हनुमान जी ने पर्वतों को इकट्ठा किया, ये गिरिराज जी के चरित्र से भी ये बात प्रमाणित होती है। क्यों? एक समस्या और थी बड़ी भारी। तुलसीदास जी के काशी निवास मात्र से लोग राम नाम का खूब जप करने लग गए, रामचरितमानस का पाठ करने लग गए, राम जी के भगत होने, वो शिव जी के विरोधी नहीं थे, शिव जी के भी भगत थे, पर राम जी के भगत होने लग गए। तो शंकर जी के भक्तों ने सोचा, पंडा पुजारियों ने, कि ले हो अब हमारी लुटिया तो डूब गई, हम अपने इनको कहीं भटकने छिटकने नहीं देते थे, हैं? अब ये तो उधर भी चले गए, कहीं ऐसा न हो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। तो उन लोगों ने भी कम नहीं सताया। महाराज और तो और कलयुग पहुंच गया, बोले हमारी हालत खराब हो रही है रामचरितमानस के द्वारा, आप राम नाम के जप का इतना प्रचार कर रहे हो, सब राम राम जप रहे हैं और हमको रहना मुश्किल हो रहा है, अपने सब ग्रंथ जो है पत्थर से बांध करके गंगा जी में डुबा दो। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग से तो हम नहीं करेंगे, और डुबा देते तो ग्रंथ ही लुप्त हो जाते, समझ रहे हैं पक्का। बोले हमारा प्रभाव नहीं जम पा रहा है तुम्हारे कारण, कलयुग की बात नहीं मानी, चले गए। तो महाराज सारे शरीर में तुलसीदास जी के व्रण हो गए, फोड़े हो गए, भयंकर पीड़ा होने लग गई, बहुत बाहुक में कहें जंत्र मंत्र टोट काद किए, सब करना पड़ा, इतनी पीड़ा शरीर में थी, लेकिन बाद ही भय सब बेकार चले गए। इसलिए हनुमान बाहुक से हनुमान जी से कहा है, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए, अब इतनी पीड़ा हो रही सही नहीं जाती है, हनुमान जी आप ही अपनी पूछ से झाड़ा लगा दीजिए, हमारा अपराध क्या है। तुलसीदास जी से इतना डर था कलयुग को। सब अनुकूल ही अनुकूल होते चले जा रहे हैं, मधुसूदन पाद सरस्वती अनुकूल हो गए, विरोधी भी नतमस्तक हो रहे हैं, चोर भी शिष्य बन गए। तब लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र का सहारा लिया, देखो लिखा है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। लिखा है महाराज जी, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, अब मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को शास्त्रों में देवता कहा गया, तस्माद् ब्राह्मण देवता। तो काशी के ब्राह्मणों ने क्या किया, एक से एक तंत्र मंत्र के ज्ञाता आज भी काशी में हैं, आज भी काशी में बड़े बड़े सिद्ध तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उन तांत्रिकों मांत्रिकों ने भैरव जी को की उपासना करके भैरव जी को प्रेरित किया। भैरव जी ने कहा भी प्रकट होकर के कि वो परम राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं,
लेकिन महाराज जबरदस्ती मंत्र बल का प्रयोग किया, भैरव जी को जाना पड़ा, उससे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। तो कलयुग सता रहा है, इसीलिए इसका संकेत गोस्वामी जी ने इसमें कहा है कि गांव बसत बाम देव में कबहूं न निहोरे। मैंने कभी व्यक्तिगत कोई निहोरा आपसे नहीं किया, लेकिन आदि भौतिक बाधा भई, शरीर में इतनी व्याधि उत्पन्न हो गई है, वो हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। ते किंकर तोरे, जिन लोगों ने पीड़ा पहुंचाई है वो दूसरे नहीं है, जो ब्राह्मण जबरदस्ती तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन आदि का प्रयोग कर रहे हैं वे भी आपके ही भगत हैं, जिन आपके पार्षद भैरव जी को भेजा गया वो भी आपके ही भगत हैं। और महाराज जब सबके स्वामी आप हैं तो कलयुग के स्वामी आप नहीं हैं, कलयुग भी आपका ही सेवक है, वो भी परेशान कर रहा है, वो भी आपका किंकर है। तो क्या आप अपने इन सेवकों को रोक नहीं सकते हैं, हटक नहीं सकते हैं, इनको रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, तो एक बात कह दें प्रसंगवश, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस प्रकार से अत्यंत व्यथित हुए तब हनुमान जी ने उनको उपाय बताया। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी से कि अब एक ही उपाय है, आप ठाकुर जी के पास चिट्ठी लिखो विनय की, क्योंकि सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी पर चिट्ठी लिखो। तब ये विनय पत्रिका लिखी है और विनय पत्रिका फिर सरकार के हाथ में गई, ठाकुर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसका मतलब जो विनय पत्रिका का आश्रय लेगा उस पर कोई तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना भूत प्रेत भैरव कलयुग किसी का प्रकोप नहीं होगा, सब अनुकूल हो जाएंगे। तो समस्त दोषों को जीतने के लिए विनय पत्रिका एक सिद्ध मंत्र के रूप में गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। तो ये बात हमने प्रसंग बस आपको कही, हनुमान जी की प्रेरणा से आपने ये विनय पत्रिका लिखी है। वही संकेत इस पद में कर रहे हैं, गाम बसत बाम देव में कबहूं न निहोरे, आधि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। वो आपके ही सेवक हैं, इसलिए बेग बोली बलि बरजिए कर तूति कठोरे। हे प्रभो, बलि बलि माने आपकी बलैया लेता हूं, बलिहारी जाता हूं, आप जल्दी बोलिए, इनको कहिए कि ऐसा मत करो, तुलसीदास मेरा भक्त है। बेग बोली बलि बरजिए करतूत कठोरे, इस कठोर करतूत से करने से उनको रोकिए, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, इस काशी से तुलसी का पौधा उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तुलसी दलि रूंध्यो चहे, तुलसी का पौधा, ये तुलसी, आ तुलसीदास जी अपने को तुलसी का पौधा क्यों मानते हैं, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुहु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तो तुलसी का पौधा उखाड़ करके ये कटीला साखोट सेहुड़ जो लंबे लंबे दल के पत्ते होते हैं, कांटे भी होते हैं, अच्छा नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, ऐसे सिहोड़े के पेड़ को लगाना चाहते हैं, तुलसी के पौधे को उखाड़ना चाहते हैं। हे भगवान, आप कृपा कीजिए तो ही हमारे संकट की निवृत्ति होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुमेरी पवन सुत पावन नामु, सुमेरी पवन सुत पावन नामु, सुमेरी पवन सुत पावन नामु, सुमेरी पवन सुत पावन।
अपने बस करी राखे राम करी राखे राम अपने बस करी राखे राम। आ पूज्य बक्सर वाले मामा जी का एक भजन है, गीत है। आज मंगलवार है और इतनी नाम महिमा हुई है तो एक नाम निष्ठ भक्तराज हनुमान जी का स्मरण तो करना ही चाहिए। मंगलवार भी है ना, आज लोग हम लोग हनुमान जी का स्मरण करके आज की कथा पूरी करेंगे। पूरा आप लोग हमारे साथ बोल सकते हैं, सुन करके बोल सकते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत सरस विचार राम की सेवा सरस विचार। प्रगट भय सेवक कपि तनुधार प्रगट भय सेवक कपि तनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जन्म ते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जानी पल लाल आपकी जय हो जय हो जय। रवि बाल जानी पल लाल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी संकट मन अनुमान सूर्य का संकट मन अनुमान। चलाया वज्र इंद्र ने तान चलाया वज्र इंद्र ने तान। लग्यो हनु पढ़ो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय। लग्यो हनु सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय।
रवि से वेद पाय को सके आपको भेद आपकी जय हो जय हो जय पाय को सके आपको भेद आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो मिलाए गुरु बने ब्रह्म रुजीव मिलाए गुरु बने ब्रह्म रुजीव मिले दो सखा राम सुग्रीव मिले दो सखा राम सुग्रीव आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव आपकी जय हो जय हो जय आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव आपकी वीर आपकी जय हो जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो कनक की नगरी लंक जराए कनक की नगरी लंक जराए सिया की सुधिले धीर बंधाए सिया की सुधिले धीर बंधाए राम को ऋणिया लियो बनाए आपकी जय हो जय हो जय राम को ऋणिया लियो बनाए आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय संजीवन रात रात में आन संजीवन रात रात में आन बचाए लखन लाल की जान बचाए लखन लाल की जान बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय भरत को प्रभु आगमन सुनाए भरत को प्रभु आगमन सुनाए विरह बारिधि से लिए बचाए विरह बार विधि से लिए बचाए सदा भक्तन की करो सहाय आपकी जय हो जय हो सदा भक्तन की करो सहाय आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय थोर मणि डार दिए दरबार थोर मणि डार दिए दरबार दिखा दिखाए चीर हृदय आगार
पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। देख सिंदूर बिंदु सिय भाल देख सिंदूर बिंदु सिय भाल किए निज तन सिंदूर से लाल किए निज तन सिंदूर से लाल निरखी हंसी रघुवर भय निहाल आपकी जय हो जय हो जय। निरखी हंसी रघुवर भय निहाल आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। पुराए तुलसी के मन काम पुराए तुलसी के मन काम मिलाए चित्रकूट में रचाए मानस जग अभिराम आपकी जय हो जय हो जय। रचाए मानस जग जग अभिराम आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। करो अब नारायण पर दृष्टि करो अब नारायण पर दृष्टि निरंतर होए कथा रस वृष्टि निरंतर दरसती रहे राम मय सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय। दरसती रहे राम मय सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम।